नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगल का जब राशि परिवर्तन होता है, अग्रेसिव ग्रह, क्रूर ग्रह है, इसका राशि परिवर्तन बहुत महत्व रखता है। और खास करके मेष राशि में, जो उसकी खुद की राशि है और काल पुरुष कुंडली की ये पहली राशि है, ऐसे में मंगल का लग्न में आना कई सारे संकेत भी दिखा रहा है। एक जनरली बहुत संकेत है, लेकिन राशियों पर, 12 राशियों पर इसका प्रभाव किस तरीके का रहेगा। और ये मंगल का जो गोचर है वो 1 जून 2024 में दोपहर को 3:57 यानी 3:57 पर इसका राशि परिवर्तन होगा। ये मेष राशि में चले जाएंगे। 12 जुलाई तक ये यही रहने वाले हैं। और ये टाइम जो है वैसे ही बड़ा पीक टाइम होता है गर्मी का, दबा के गर्मी का। गुस्सा तो हर किसी को आना स्वाभाविक है, ये मान लीजिएगा। इस समय कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी मनमानी करने को तैयार है। और ये इसका सिर्फ इम्पैक्ट जो है, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष पर नहीं, इनका जनरली भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि इसी समय में कुछ ऐसी चेंजेस होने वाली, जून में तो मेजरली कुछ चेंज होने वाले, तो उन चेंजेस की भी हमने एक वीडियो बनाई है, बहुत बड़े चेंजेस का, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा कि बड़ी पावरफुल वीडियो होंगी वो। और उनके भी आप देखिएगा जरूर वीडियो को, क्योंकि उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। इसीलिए मेरे चैनल की सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोफेशन को लेकर के, हर किसी ने कहा कि हम प्रोफेशन की वीडियो डाली, हमने प्रोफेशन की वीडियो डाली आपके लिए कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आपके ग्रहों के चेंजेस आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो ये सारी वीडियो उसको आप जरूर देखा करें। लेकिन अभी मंगल की बात करते हैं, जो 1 जून में चेंजेस हैं इनके। क्रूर ग्रह, अग्रेसिव ग्रह, बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है इसे कहते हैं। और इसका प्रवेश जब मेष राशि में होता है तो किस तरीके की चीजों को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात है कि मंगल का मेष राशि के साथ जो संबंध बन रहा है, इससे हर एक राशि पर प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अब जैसे इसकी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर भी है, तो चौथे भाव को ये इम्पैक्ट डालेगा, तो चौथे भाव के अंदर किस तरीके के वो ये इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके से आपने उन चीजों को कंट्रोल करके रखना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक एक राशियों के साथ, तो सबसे पहले हम पहली राशि की बात करते हैं कि मेष राशि में जो मंगल का प्रभाव है, लग्न भाव में ये गोचर हो रहा है। और इस गोचर में आपको फायदा है, आपके लिए फायदा है। मेष राशि वालों को बहुत समय से जो मेहनत कर रहे थे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, और डेफिनेटली आपको काम का तो लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंट्रोलिंग की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। कुछ मैनेजमेंट कीजिएगा, चीजें आप प्लान कीजिएगा, प्लान के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, चाहे वो धन का प्लान खर्च करने का हो, चाहे वो अपने काम का प्लान हो, चाहे आप किसी भी तरीके का। तो यानी थोड़ा सा आपको यहाँ कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ गुस्सा आपको बहुत जल्दी पकड़ेगा। इस समय गुस्सा आपके ऊपर हावी होगा, चीजें बन जाएंगी तो आप फिर किसी को मानेंगे नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा प्लीज आप अपने कंट्रोल पे रखिएगा अपने आप को, आवेश में नहीं ज्यादा आने की जरूरत है। और यहाँ पे हद से ज्यादा गुस्सा करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, अगर आप थोड़ा शांत रह करके कुछ चीजों को करने का प्रयास करेंगे तो फायदा मिलेगा। अपने घर की छत के ऊपर लाल रंग का या फिर नारंगी रंग का एक छोटा सा पताका, यानी छोटा सा झंडा जरूर लगा करके रखिएगा, और ये जुलाई तक लगे रहने दीजिए, जब तक ये गोचर, ये ट्रांजिट मेष राशि में रहेगा। दूसरी राशि वृष राशि यानी टॉरस की बात करते हैं। आपकी राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, और मंगल का गोचर जो 12वें भाव में खास करके होता है, तो ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च को बढ़ा देता है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में चोट लगना और ब्लड निकलना, तकलीफ होना, डॉक्टरों के भागना, तो यानी कुछ ना कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हाँ, जो लोग विदेश में चाहते हैं कि अपनी नौकरी की कुछ कामना है, उनका माइंड है कि हमारा विदेश में एटलीस्ट कुछ नौकरी का योग बन जाए, तो ऐसे लोगों को कुछ संभावनाएं मिल सकती हैं। अगर आप हायर स्टडी के लिए भी आप विदेश में जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा योग बन रहा है, युवाओं के लिए स्पेशली। आप अपने देश में रह करके भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक सपना है कि हम लोग अच्छे लेवल पे कहीं जाएं,
थोड़ा विदेश लेवल पे थोड़ा सा कुछ आप अर्न भी करें इनफैक्ट, और आप पढ़ाई भी अच्छी करें, तो आपके लिए एक अच्छे योग बन रहे हैं। आपको खास करके इस समय लाल रंग की मसूर की दाल होती है, उसका दान करना चाहिए, और ये दान आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनाई। मंगल का ये गोचर का प्रभाव जो है, ये गोचर आपके 11th भाव में होगा, और 11th भाव लाभ का भाव कहा जाता है। बहुत अच्छा होता है ये भाव आपको अधिक धन देने वाला होता है, हद से ज्यादा पैसे देने वाला होता है, और इजी इनकम को भी ये दर्शाता है। यानी आपके जैसे आपने रेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा रखी थी, पैसा नहीं मिलता था, या फिर किराएदार आपको किराया नहीं दे रहे, आगे डील भी नहीं बढ़ा रहे और किराया भी नहीं दे रहे, तो आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। और आपके लिए एक उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए, और ओम भूम भूम आय नमः इस मंत्र का जाप आपको हर मंगलवार को एक माला जाप करनी चाहिए, और मूंगे की माला पे करनी चाहिए, या फिर आपने हर मंगलवार को एक लाल रंग का पॉकेट में रुमाल रख करके ही किसी काम के लिए जाना है, आपको काफी फायदा मिलेगा। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर दशम भाव में हो रहा है, 10th हाउस में। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, 10th हाउस हमारे काम का हाउस माना जाता है, और 10th हाउस अच्छा तो 11वां भाव अपने आप ही अच्छा। 10th हाउस आपको अच्छे काम करने के संकेत देता है, या फिर काम छुड़ाने के लिए भी इसकी भूमिका रहती है। तो यहां आपके लिए अगर हम कहें तो आपको, हाँ डेफिनेटली कोई भी काम जो है वो मेहनत देता ही लेता है, लेकिन मेहनत के बाद अगर उसका फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके लिए जो लंबे समय से रुका हुआ कोई भी काम है वो पूरा हो सकता है, कुछ नया काम आपको मिल सकता है, आपको फायदा मिल सकता है। आपको मंगलवार के दिन युवाओं की सहायता करनी चाहिए, और कौन से युवाओं की, जो जरूरतमंद बच्चे हों, जिनको वाकई आपकी जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है, तो उनसे आप पूछिएगा कि आपको किस चीजों की ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादातर क्या जरूरत हो सकती है, स्टडीज की तो जरूरत होती है, तो आप पूछिए अगर स्टडीज से रिलेटेड कोई भी चीजों की उन्हें जरूरत है तो आप जरूर सहयोग करें, आपका बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की बात करते हैं। मंगल का ये गोचर आपके 9th भाव में हो रहा है, 9th हाउस में हो रहा है, और 9th हाउस एक तरफ पिता का भाव भी होता है, दूसरा हमारे धर्म कर्म का भाव कहा जाता है, और हमारी धार्मिक ये चीजों को बढ़ाने का ये भाव कहा जाता है। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, अनुष्ठानों का भाग ले सकते हैं, आप पूजा भक्ति कर सकते हैं, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ सकते हैं, सोशल कार्यों को आप कर सकते हैं, आप ये कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके बहुत अच्छी एक जान पहचान आगे बड़े लेवल की आगे आई, बड़े स्तर पर आप आगे उभर करके आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के लेवल पर आप आगे आएंगे, आपकी अपनी एक पहचान होगी। आपने क्या करना है, बंदरों को मॉन्कीज को आपने हर मंगलवार को गुड़ और चना या फिर केले जरूर डालिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, आपकी राशि से ये 8वें भाव में गोचर रहेगा, और ये आपके लिए अष्टम भाव जो है ये हिडन है। अष्टम भाव में मैलेफिक प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है, जितनी आपकी ये दबी हुई छुपी हुई चीजें परेशानियां हिडन हुडन हो रखी थी ना, वो सारी धीरे धीरे निकल करके आपके सामने आएंगी और आपको अच्छा लाभ देंगी। कोई काम छुपा पड़ा था कहीं पीछे कोने में, फाइल आपकी, आपने लगाई फाइल किसी भी काम की, वो पीछे दबी पड़ी थी, वो निकल आएगी सामने, निकल करके आपको फायदा देगी, आपको लाभ देगी, आपके काम बनाएगी, और सडनली होगा ये सब कुछ अचानक, जिससे आप एकदम से ये भी सोच में पड़ जाएंगे, अच्छा हमारा काम इतने समय से था, हमने तो छोड़ दी थी इसकी उम्मीद, क्या ठीक हो सकता था, हो गया, तो कमाल की बात है ना, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होता है। चलिए आपको क्या करना चाहिए, अरे इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे लंबे समय से पेंडिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है। आपको इस समय क्या उपाय करना चाहिए, किसान वर्ग को आपको मदद करनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे किसान भाई भी हमारे बहुत सारे लेवल के होते हैं,
कुछ के घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, कुछ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, और ये आमजन में भी होता है, हमारे जीवन में भी यही होता है, कुछ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ परेशानियों से जीवन व्यतीत करते हैं। और जो किसान भाई आपको परेशान दिखे उसकी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, और जो सहयोग आप कर पाए उससे आपका बड़ा सहयोग होगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो कन्या तक का हाल हमने आपको बता दिया, आगे राशियां रहेंगी तुला से लेकर के मीन तक का, कि मंगल का ये गोचर तुला से लेकर के मीन तक वालों को क्या इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके से उन्हें लाभ मिल सकता है, कौन से छोटे छोटे उपाय हैं उन्हें करने चाहिए। लेकिन कन्या राशि तक हमने आपको हाल बता दिया, थोड़ा सा इंतजार तुला राशि वालों को करना है और तुला से लेकर इनफैक्ट मीन राशि तक का करना है। तो कन्या राशि तक जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिस तरीके के आपको अपने गोचर के बारे में बताया है कि मंगल का ये गोचर आपके जीवन में किस तरीके की चीजें कर सकता है, तो आप उपाय जरूर कीजिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। और मेरी अगली आने वाली जो वीडियो है वो रहेगी तुला से मीन तक की, उसे भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, नमस्कार।